देसी मारवाड़ी स्टाइल में भरवा बैंगन की एक बढ़िया सी सब्जी। आइए देखते हैं इसका रेसिपी क्या है। सबसे पहले बैंगन को काटा और पानी में डाल दिया ताकि ये काले नहीं पड़े। फिर प्याज और हरी मिर्च को काट के पीस लिया मिक्सर में। टमाटर, अदरक और लहसुन को पीस लिया। हल्दी, धनिया, नमक एंड लाल मिर्च, ये सामग्री तैयार करके रखी है। और थोड़ा सा हमने दही भी रखा साइड में। लोहे की कढ़ाई में सरसों का 1 चम्मच तेल डाला और अभी जो बैंगन है वो बैंगन को सब इसमें डाल के फ्राई कर लिया। पूरा बैंगन अच्छे से कट गया है, चल रहा है। फिर इसको साइड में निकाल के रखो। देखिए बैंगन लगभग पूरा तैयार हो गया। अब गैस बंद किया और इसको निकाल दिया। कढ़ाई में तेल लिया, तेल आया तो थोड़ा सा जीरा डाला। फिर जो हमने तैयार किया था प्याज और हरी मिर्च का, वो डाल के थोड़ा सा पकाओ। थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाना है। जब थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसमें टमाटर जो पीसे हुए वो इसमें डालेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया, अभी इसमें टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट वो डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे। इसको 2-3 मिनट पकने तक जब 2-3 मिनट बाद ये सारा मसाला पक जाए, इसमें ये सारा सूखा मसाला डाल दो। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, इससे आपको ऐसा लगेगा मसाला जल रहा है। तो जलेगा तभी आपको फील आएगा कोई ढाबे का या रेस्टोरेंट का खाना बन रहा है। पूरा देखिए कैसे पेस्ट बन गया। अब ये चिपकेगा नहीं। मसाला जलने लगे उसके पहले इसमें दही डालना। दही और इस मसाले को थोड़ी देर पहले पकने रहे, जब तक तेल नहीं छोड़े। अब ये मसाले ने तेल छोड़ दिया। आप इसमें जो बैंगन हमने फ्राई किए थे, नॉन डीप फ्राई नहीं था, अभी तेल में फ्राई किया था, वो सारे इसमें डाल के अभी तक हमने एक दिन में पानी नहीं डाला। अब इसको आप
5 मिनट तक पकने दीजिए। ये लगभग 2-3 मिनट हो गए, 2-1 मिनट और पक जाएगा, सारा मसाला बैंगन में चला जाएगा और अपना बढ़िया सा सब्जी तैयार हो जाएगा। अगर इसमें सरसों का तेल नहीं डालते, दूसरा तेल होता है, तो सारा तेल अभी तेल ही तेल दिखता है। सरसों का तेल जाने से फूटना नहीं, मसाले में मिक्स हो जाता है। अब ये सब्जी बन के तैयार है, लोहे की कढ़ाई में से बाहर निकाल दो ताकि ये कलर चेंज नहीं करें। थैंक यू।